हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम एक ब्रेकफास्ट रेसिपी बनाने जा रहे हैं। ढोकला तो आपने खूब बनाया भी होगा, खाया भी होगा, मार्केट में भी मिलता है, तो सबका मेज़रमेंट ठीक नहीं बैठता। तो आज हम इंस्टेंट प्री मिक्स से हम ढोकला बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है, ये प्री मिक्स है खमन ढोकला। इसमें हमें कुछ भी नहीं मिलाना है। ये टाल्डो कंपनी का है, ये गुजरात की कोई कंपनी है। तो बहुत से लोगों का मेज़रमेंट ठीक नहीं बैठता प्रीमिक्स बनाने के लिए, और बहुत से लोग जॉब करते हैं, उनको झटपट से कोई ना कोई नाश्ता बनाना हो, ये लंच बॉक्स में भी ले जा सकते हैं। तो मैं आज प्रीमिक्स इंस्टेंट से बताने जा रही हूँ आपको। तो उसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए मैं बताती हूँ उसके लिए मैंने क्या क्या लिया है। ये प्रीमिक्स टाल्डो पैक तो लिया ही है मैंने। तो मैंने ये एक साथ साथ बता दे जाऊँगी आपको स्टेप बाय स्टेप। ये एक मैंने ढोकला मोल्ड लिया है, इसी में मेरा इडली का भी मोल्ड है। तो आज मैं ढोकला बनाने जा रही हूँ। इसमें इस तरीके से ये टिन प्लेट आती हैं, तो मैंने ये गैस ऑन कर दिया है। और इस मोल्ड के अंदर हम इसके ये जो फर्स्ट ये लाइन देख रहे हैं ना, फर्स्ट लाइन के थोड़ा सा नीचे तक अब हमें पानी डालना है। और उसके अंदर ये एक जाली आती है, सबसे नीचे हमें ये जाली रखनी है। अब ये तीन साइज़ की ट्रे हैं इसमें, तो सबसे छोटी ट्रे नीचे जाएगी। इसको हमने इस तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लेना है। ये हमने तीनों ट्रे को ग्रीस कर लिया है, और ताकि इसमें जो हम मटेरियल डालेंगे वो इसमें चिपके ना और बहुत इजीली इससे बनने के बाद अलग हो जाए। तो चलिए, जब तक कि इसमें पानी बॉयल होता है, जब तक मैं आपको दूसरे मसाले बता दूं मैंने क्या क्या लिया है। मैंने एक ये बड़ा स्टील का पतीला ले लिया है, इसमें मैं मिक्स करूँगी। और ये पैकेट मेरा हाफ के जी का है, ये दो बार में बन जाएगा, आज मैं हाफ ही बनाऊंगी। तो इसको इस तरीके से हम कट कर लेंगे। ये देखिए, इसमें सब कुछ मिक्स होता है, चीनी, नमक, इनो जो भी डालते हैं वो सब इसमें मिक्स होता है। तो ये मैं एक पतीले में हाफ ले रही हूँ, हाफ मतलब 250 ग्राम। तो इसको हम पानी डाल के मिक्स कर लेंगे। सॉरी, इसमें एक पैकेट भी है मिक्स, इसको भी खोल के हमने इसी में डालना है। हम दो बार बना रहे हैं, तो इसमें हम ये जो बीच में मिक्स आया है इसको हाफ ही डालेंगे। हाफ हम इस पैकेट में ही छोड़ देंगे, इसमें मिक्स करके हम रख देते हैं, ये नेक्स्ट टाइम बन जाएगा। ये देखिए, हमने इस तरीके से मिक्स कर लिया है, हमें इतना ही पानी डालना है इसमें। और इधर हमारा ये पानी बॉयल हो गया है, तो हमने ये जो ग्रीस करके ट्रे रखी थी इसको हमने पूरा फिल नहीं करना है, इसको आधा फिल करना है, क्योंकि ये बाद में फूलेगा। ये सबसे नीचे जाएगी छोटी ट्रे। इसी तरीके से हम अपनी तीनों ट्रे लगा देंगे। ये इसमें हमने ट्रे लगा दी है, अब इसको इस तरीके से हम कवर कर देंगे। और तेज आंच पे हम इसको कवर कर रहे हैं, तेज आंच चला रहे हैं हम। तो इसको हम करीब 10 मिनट बाद हम चेक करेंगे। इसको 10 मिनट इसको लगेंगे बनने में, हमने दूसरी गैस पे शिफ्ट कर लिया है। तब तक हम
बाकी स्टेप्स देख लेते हैं। ये मैंने एक छोटी सी कढ़ाई ली है, थोड़ा सा इसमें ऑयल जाएगा। इसमें हम इसकी चटनी तैयार करने लग रहे हैं। इसके साथ इमली की चटनी अच्छी लगती है, ये मैंने आपको एक दो वीडियो पहले दिखाई भी थी। हम इसी में से लेकर इसकी चटनी तैयार करेंगे। और ये ऑयल गर्म होने पे मैं इसमें राई डाल रही हूँ। और चटनी के बारे में मैंने आपको बताया था कि मेरे बहुत जगह ये मल्टीपर्पज़ चटनी है, बहुत जगह काम आती है। तो ये राई चटकने लगी है तो हम इसमें से चटनी लेके इसमें डाल देंगे। और इसको अगर आपने पतला करना हो, इस चटनी को थोड़ा सा पानी मिला दीजिए क्योंकि इस चटनी को वापस हम एक उबाल दिलवाने वाले हैं। देखिए ये हमारी ढोकला के साथ की चटनी तैयार हो गई, जो हमने ऑलरेडी मल्टीपर्पज चटनी बना के रखी थी। हुआ ना कितना इंस्टेंट, देखिए झटपट से तैयार हो गया। ये हमारी चटनी तैयार हो गई, इसको हम साइड में रख रहे हैं अभी। और अब हम एक छोटा सा पैन और ले रहे हैं और इसके साथ ग्रीन चिल्ली बहुत अच्छी लगती है, अब हम उसको रेडी करेंगे। ये मैंने ग्रीन चिल्ली मैंने धोकर इसकी पीछे के डंठल निकाल कर इसको बीच में से स्लिट कर लिया है। और इसमें थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे पैन में। इस मिर्ची को हम इसमें फ्राई करेंगे, हल्का सा ऑयल डाला है बिल्कुल हमने। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाए तो हम उसमें राई डालेंगे। अब हम इसमें हमने जो ये मिर्ची स्लिट करके रखी थी इसको डाल देते हैं। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, साथ में ही इसके हम नमक डाल रहे हैं। तो एक दो मिनट में ये फ्राई हो जाएगी, तेज आंच पे ही कर लेना है हमें। देखिए ये मिर्ची हमारी होने आई, हमें इतना ही करना है इसको। तो अब इस वक्त पर हम इसमें ये नींबू का रस डाल देंगे। इसमें हमने राई, नमक और नींबू बस यही डाला है, ये बहुत अच्छी लगती है ढोकले के साथ। तो लीजिए ये हमारी मिर्ची भी तैयार हो गई, चटनी भी तैयार हो गई। अब हम ढोकला को खोलकर देख लेते हैं। अब ढोकला में हम एक नाइफ डाल के देख लेते हैं। ये हमारा नाइफ क्लीन आ रहा है, इसका मतलब हमारा ढोकला बन गया है। अब इसको हम निकाल के और 5 मिनट तक इसको कूल होने देंगे। इसी तरीके से इसमें 5 मिनट तक हम ठंडा होने तक रखा रहने देंगे। और जब तक ये हमारा ढोकला कूल होता है तब तक हम छोंक की तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने थोड़ा सा एक कढ़ाई में ऑयल डाला, थोड़ा सा ही ऑयल डालना है हमें। तो ढोकला को छोंक लगाने के लिए देखिए मैंने क्या क्या लिया है। ये मैंने नारियल पूरा लिया है, नारियल पूरा था इजीली मार्केट में मिल जाता है। राई है, आप सरसों भी बोलते होंगे इसको, और थोड़े से सफ़ेद तिल हैं, और ये हींग, और ये कड़ी पत्ता। और कड़ी पत्ता का मेन फ्लेवर है इसमें। तो सबसे पहले हम इसमें हींग डाल रहे हैं, उसके बाद राई, ये खूब सारी राई जाएगी इसमें। जैसे ही राई चटकने लगे तो हम इसमें ये हमारी कड़ी पत्ता डाल देंगे। ये मैंने फ्रेशली मेरे गमले में से तोड़े हैं। अब ये देखिए हमारा ढोकला कूल हो गया है और हमने एक नाइफ पे आगे थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। और इस तरीके से हम इसके किनारों को अलग कर लेंगे।
ये अलग कर लिया हमने किनारों को, और इसको हम एक प्लेट के ऊपर इस तरीके से उल्टा डाल देंगे। देखिए बिल्कुल अलग हो गया है, और आप इसको इस तरीके से सीधा कर लेंगे। देखिए आप इसको पीसेस में कट कर लेंगे। इसको हमने ये मार्केट की तरह बड़े बड़े पीसेस काटेंगे इस तरीके से, और इधर से भी इस तरीके से लगा लेंगे हम कट। ये देखिए हमने इसको इस तरीके से काट लिया है। एक हम आपको ये टेक्सचर दिखा देते हैं, देखिए कितने स्पॉन्जी बने हैं ये। ये देखिए चलिए अब ये इनको हमने पीसेस में काट लिया है, अब इसको भी इस छोंक के अंदर हम डाल देंगे। ये इसमें डाल दिया, हम इसमें इसको टॉस कर लेंगे ताकि ये जो हमारा छोंक था सब पे लग जाएगा। अब इसके ऊपर हमने ये जो नारियल बूरा लिया था इसके ऊपर ही हम डाल देंगे, और ये जो हमने वाइट तिल लिए थे सफ़ेद वाले तिल थोड़े ये भी डाल देंगे। हरा धनिया आपके पास हो तो चॉप करके वो भी डाल सकते हैं आप। चलिए अब इसको सर्व करते हैं। ये देखिए हमने इसको एक प्लेटर में निकाल लिया है, और जो ये तिल बचे थे थोड़ा सा हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं, और ये नारियल बूरा भी। तो ये हमारा रेडीमेड प्रीमिक्स इंस्टेंट ढोकला रेडी है। आप झटपट से बनाएं, और आप ऑफिस ले जाएं। लंच बॉक्स रेसिपी है, स्नैक्स रेसिपी है, ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रेसिपी है। आप किसी भी समय खाएं, और जब जब इस तरीके से रेडीमेड प्रीमिक्स मिलता है तो आपका काम आसान हो जाता है, और बना भी बहुत अच्छा है। तो आप भी बनाएं, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, खुद के लिए बनाएं, बट आपके एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करें और कमेंट में मुझे बताएं। और पसंद आ रही हैं मेरी रेसिपीज़ तो सब्सक्राइब भी करें। टिल देन बाय। आप खुद ही देखें, ये इतना भी मुश्किल नहीं है बनाना, घर पर ही बनाएं, हाइजीन रहेगा। Future